वोटिंग की रफ्तार धीरे धीरे और तेज हो रही है, लेकिन इन सब के बीच वडोदरा से कल जब पर्चा भरा नरेंद्र मोदी ने, तो हर किसी की नज़र उनके उस हलफनामे को लेकर टिक गई जहां पर उन्होंने जिक्र किया था वो शादीशुदा हैं। और उस कॉलम में उन्होंने यशोदा बेन का जिक्र किया था, हालांकि उनकी संपत्ति, उनका पैन नंबर, इस सारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। क्या शादीशुदा हैं और किस रूप में शादीशुदा, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये बहस लगातार चलती रही विधानसभा के दौरान, उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया और लोकसभा में क्यों जिक्र कर दिया। मोदी का सबसे बड़ा कबूलनामा, मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कुवारे नहीं हैं नरेंद्र मोदी, यशोदा बेन है मोदी की पत्नी। वडोदरा सीट से मोदी ने पर्चा दाखिल करते हुए ये एफिडेविट फाइल किया। भीड़ की तस्वीरों और समर्थकों के नारों के बीच दिन का उजाला छटा और रात स्याह होने से पहले मोदी के सियासी लबादे से ढका जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी देश के सामने आ गया। एफिडेविट में मोदी ने यशोदा बेन का नाम बतौर पत्नी लिखा है। ये भी लिखा है कि पत्नी की संपत्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मोदी ने माना कि यशोदा बेन उनकी पत्नी है, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त हर बार नॉमिनेशन के दौरान दिए एफिडेविट में मोदी पत्नी के नाम का कॉलम खाली छोड़ते रहे। सवाल यह है कि जिंदगी का इतना बड़ा सच अब तक मोदी छिपाते क्यों रहे, मोदी देश और चुनाव आयोग से झूठ क्यों बोलते रहे, शादी से जुड़े सवालों पर अब तक चुप क्यों रहे। बासठ साल की यशोदा बेन गुजरात के अहमदाबाद से रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। यशोदा बेन ने मीडिया से पहले भी जाहिर किया है कि मोदी से उनकी शादी 45 साल पहले हुई थी। शादी के बाद यशोदा बेन ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मोदी के कहने पर उन्होंने आगे पढ़ाई की। दोनों की शादी 3 साल चली और 3 साल में दोनों केवल 3 महीने ही साथ रह पाए। उसके बाद पिछले 42 सालों में यशोदा बेन और मोदी के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। लेकिन यशोदा बेन को मोदी से ना कोई गिला शिकवा रहा, ना कोई शिकायत, बल्कि वो टीवी और अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री को मुल्क का प्रधानमंत्री बनने की दुआ करती रही। मोदी के कबूलनामे ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यशोदा बेन को सालों बाद सम्मान मिला, हमको इसकी खुशी है, पर सिर्फ वोट और इमेज के लिए चुनावी वक्त में मोदी ने रिश्ते का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी पहले कहां थे, सिर्फ पीएम की कुर्सी और वोटों की खातिर ये मोदी का सियासी गेम है। गुमनामी में बिताए यशोदा बेन की जिंदगी के 42 साल मोदी को गुनहगार भी बना सकते हैं। सच की अग्नि परीक्षा में मोदी पास या फेल, ये फैसला तो देश को करना है, लेकिन चुनाव के दौरान मोदी के कबूलनामे पर सियासी कोहराम मचना तय है। आज तक ब्यूरो। कबूलनामा मोदी का, और उसके बाद एक उनके भाई का पत्र आया है, सोमनाथ दामोदर दास मोदी, उन्होंने एक निवेदन किया है, बड़े भाई हैं, हम उस निवेदन को आपको दिखाते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। यशोदा बेन चिमन भाई मोदी के साथ बाल्यावस्था में हुआ विवाह मात्र एक औपचारिक विधि बनकर रह गया, क्योंकि नरेंद्र भाई ने उन्हीं दिनों गृह त्याग कर दिया था। आज 40-45 साल बाद भी नरेंद्र भाई परिवार से अलिप्त हैं। यशोदा बेन ने अपने पिताजी के घर पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर अपनी जीवनचर्या निभाई। नरेंद्र भाई ने तपस्यापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। 45-50 साल पहले की इस घटना को गरीब और रूढ़िवादी परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाए, ऐसी हमारी करबद्ध प्रार्थना है। सोमनाथ दामोदर दास मोदी, ये इनके भाई की तरफ से भेजा गया पत्र है। अमिताभ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आप कल नामांकन के वक्त मौजूद थे वहाँ पर, और ये जो हलफनामा आया, उस हलफनामे को लेकर हालांकि एक सवाल और भी आया था कि प्रस्तावक चायवाला हो जाता है,
जो कभी विधानसभा में नहीं हुआ। लेकिन जिक्र जो किया गया, जाहिर है कांग्रेस इस सवाल को उठाते रही। दिग्विजय सिंह को तो हमें याद है, उन्होंने सोशल मीडिया में इसको लेकर जब बड़ी बहस हुई थी तो मीडिया के सामने खुलकर आ गए थे। ये कबूलनामा मोदी का इस वक्त क्यों हुआ और क्यों जरूरत पड़ी इस कबूलने की, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दूसरी बात लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तीसरी बात चुनाव आयोग की हर एफिडेविट के हर मुद्दे पर कड़ी नज़र होती है। और पिछले बार आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने जब से यशोदा बेन उनकी पत्नी का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कॉलम खाली क्यों छोड़ा विधानसभा चुनाव के समय, तो काफ़ी बावेला मचा था। कहीं एफिडेविट में झूठ डालने के फेर में कहीं उनका नामांकन रद्द न हो जाए, कई बातें ऐसी थी जो थोड़ा डर जरूर पैदा कर रही थी, इसलिए सच को लिखना ही पड़ा। जो सच दुनिया के सामने था, जो सच नरेंद्र मोदी अपने कॉलम को खाली रख के छोड़ते थे, उसको लिखना पड़ा। ये दबाव था कि एफिडेविट में गलत बातें ना जाएं जो चुनाव आयोग को देनी पड़ती हैं प्रसून, तो जाहिर तौर पर ये दबाव था, इसीलिए उनको ये देना पड़ा। और अब ये जग जाहिर हो चुका है, तो एक तरह से माना जाए तो विपक्ष का दबाव और एफिडेविट में झूठ ना लिखने वाली बात है जो कि इस दबाव को ज़्यादा बढ़ा रही है। और खासकर उनके भाई का जो खुला पत्र आया है और जिस तरह से उन्होंने अपील की इस मुद्दे को आगे न बढ़ाया जाए, इससे साफ जाहिर होता है कि सच लिखना जरूरी था, लेकिन सच को पचा पाना भी आसान नहीं होता है। 2002 में भी उन्होंने हलफनामा दिया था, 2007 में भी दिया था, 2012 में भी दिया था, इसका मतलब है उस समय वो झूठ बोल रहे थे, आज अगर सच बोल रहे हैं तो? देखिए, कॉलम खाली छोड़ना था, इस बात से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था, इस बारे में उन्होंने कभी सार्वजनिक बयानबाजी भी नहीं की थी प्रसून। दो चीज़ें ध्यान में देने वाली बात है। ये जहाँ तक उनके शादीशुदा जीवन की बात है, वो हमेशा से उनके करीबी यही बताते रहे कि उन्होंने शादी बाल्यकाल में ही हुई थी, बचपन में ही हुई थी, और उन्होंने घर गृह त्याग कर दिया था। लेकिन अब सच बोलने का समय आ गया है, क्योंकि अब सबसे बड़े पद की ओर उनकी नज़र है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोकसभा चुनाव पर। जाहिर तौर पर ये दबाव उनके मन में लगातार बना हुआ था, और खासकर जो कांग्रेस नेताओं की मुहिम चल रही थी, जाहिर तौर पर अगर इस बार कॉलम खाली रहता तो मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू आया था जिसको लेके ऑफिशियली या ओपन तौर पे पहली बार छपा, लोगों ने, महिलाओं ने इसके बाद प्रतिक्रिया देनी शुरू की। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये बात रखी, बीजेपी खामोशी बरती, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाएगी और बना रही है कि दरअसल महिलाओं को भीतर जो था कि नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं लेकिन अपने ही परिवार के भीतर अनदेखा करते हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने इस रूप में चीज़ें स्वीकारी हैं? बिल्कुल प्रसून, यही दबाव था, हम इसी की बात कर रहे हैं। महिला संगठन हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे कांग्रेस की महिला नेता हो, बीजेपी में भले ही कोई नेता कुछ न कहे, किसी सबकी जुबान पर ताला पड़ा रहेगा इस मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठतम नेता हैं और बीजेपी के चेहरा बने हुए नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर एक दबाव ये तमाम दलों का था, सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर का दौर है, तमाम जो नेता खुलकर जो सामने आते हैं, मीडिया का दौर है, तो ऐसी तमाम चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो मुश्किलें नेता के लिए बढ़ सकती हैं। और जाहिर तौर पर सबसे महत्वपूर्ण था वो था एफिडेविट का मामला, और खासकर जब उनके सोमा भाई दामोदर दास मोदी जो उनके बड़े भाई, उनका बयान जब आया है खुलकर, तो जाहिर तौर पर ये खुद ही अपने आप दिया हुआ बयान नहीं है, कहीं ना कहीं से इसके पीछे मुख्यमंत्री गुजरात के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अपने आप बड़े भाई उनके खुलकर कभी सामने नहीं आते, उनका परिवार कभी खुलकर सामने नहीं आता, तो ये सोच समझ कर ये बयान जारी करवाया गया लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा न हो पाए। सवा एक मिनट आप हमारे साथ रहिएगा रामकृपाल जी। ये बात जो निकल कर आई, क्योंकि भाई का भी हमारे पास उसके रिएक्शन आ गया, जो क्लेरिफिकेशन कही है वो आया, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है या एक ईमानदाराना पहल है? प्रसून जी, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था आपके संवाददाता, देखिए हर जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सच ही बोले, कभी कभी मौन रहना भी कोई निगेटिव नहीं होता है। और जिस तरह की चिट्ठी आई है, जैसे लिखा हुआ है, ये मोदी का कोई अलग नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के बिहार के गांव-गांव में चले जाएं, आपको इस तरह के बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे जहां वो संबंध अभी भी पति पत्नी के हैं लेकिन लोग दूर रह रहे हैं, न पत्नी को पति से आपत्ति है न पति को पत्नी से आपत्ति है। मोदी ने अगर कहीं ये लिखा होता कि हाँ मैं अविवाहित हूँ, तब ये दूसरी तरह की बात आती, क्योंकि कानूनन भी आप जानते हैं कि इस तरह के मामलों में इसको कहते हैं वायडेबल ऑफेंस। अगर कोई है, इसको कोई किसी तरह का ऑफेंस नहीं चल सकता अगर कोई अफेक्टेड पार्टी, यानी अगर पत्नी पति के खिलाफ कुछ कहती है कि मुझे धोखा दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन ये उनका निजी और व्यक्तिगत मामला है। जब
जब उनकी पत्नी को पर कोई परेशानी नहीं है और पति को कोई परेशानी नहीं है, तो इस मुद्दे को जो भी उछालेगा, मैं आपको बता दूं, उसका फायदा सहानुभूति मोदी के प्रति जाएगी, उनकी पत्नी के प्रति जाएगी, कांग्रेस या किसी और पार्टी के प्रति नहीं जाएगी। और आपने देखा ही होगा, ये मुद्दा 1.5 साल 2 साल पहले से लगातार अखबारों में भी आया है, कितना उसको उछाला गया, नतीजा आज क्या है, दीवार पे ही बादल लिखी हुई है। तो मेरा ये मानना होता है कि देखिए, राजनीति में चाहे जितना फायदा नुकसान, सब कोशिश करते हैं। अग्रवाल जी, आप ये कह रहे हैं भारतीय समाज इतना सक्षम हो गया है कि पति पत्नी दोनों एक समान सोचने लगे हैं? सक्षम हो नहीं गया है प्रसून जी, देखिए बहुत पहले से ऐसी बातें हैं महिलाओं को, और आपने तो देखा नहीं, मैं दलित के तौर से उसे स्थिति में देखा जाता है। अगर आप सोचिए महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति, जो देखिए सामाजिक परिस्थिति, आज भी राधा कृष्ण कहा जाता है, आप सोच लीजिए। देखिए एक्सेप्टेबिलिटी समाज की बड़े बहुत व्यापक संदर्भ में होती चीज़ों को, जब भी आप किसी चीज़ को, एक मैंने कहा ना कि आप एक आदिवासी महिला को बहुत कम कपड़ों में देखेंगे, लेकिन कभी आप उसको उस तरह से किसी के दृष्टिकोण नहीं जाता है जिस तरह से कि एक विज्ञापनों में नारियां दिखाई जाती हैं। तो सवाल इस बात का है कि परिस्थिति, चीज़ें क्या हैं, और उनका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश अगर कोई की जाएगी, कोई अपराध नहीं है, व्यक्तिगत जीवन की बात है। अमिताभ, एक सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। संघ के भीतर प्रचारक वही होता है जो अविवाहित हो। कई बार हमने संघ के स्वयंसेवकों से इस सवाल को पूछा था नरेंद्र मोदी को लेकर, जवाब अक्सर मिलते रहा कि अविवाहित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी अविवाहित प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। ये साफगोई की स्थिति इस पद को देखकर हो जागी है, या संघ के जो सामाजिक नियम कायदे हैं उसमें अब नरेंद्र मोदी गुनाहगार हैं, या आपने मान लिया वो भी क्लीन चिट दे देगा? देखिए, संघ के क्लीन चिट का अब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस सच को सामने लाया है जो किसी से छुपा नहीं था। प्रसून, एक चीज़ तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती थी। कहा कभी नहीं गया, कहा कभी नहीं गया, लेकिन ये जग जाहिर थी, हर कोई जानता था प्रसून, और ये पब्लिक डोमेन में थी। भले ही नरेंद्र मोदी ना माने, उन्होंने कॉलम खाली छोड़ा था, ये नहीं लिखा था कि वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड का कॉलम अनमैरिड नहीं लिखा था उन्होंने। और यही कारण है कि अब संघ का कुछ कहना माने नहीं रखता है कि संघ विवाह की इजाज़त तो जरूर देता है, ये आप भी जानते हैं कि संघ इस तरह की इजाज़त देता है कि कई प्रचारक होते शादी करके भी प्रचार संघ से जुड़े रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। और जहां तक इसको प्रतूल देने की बात है, उनका अगर उनके भाई ने इस मुद्दे को उठाया है, तो एक मेरे ख्याल से राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप करने का दौर बहुत ज़्यादा भारत में नहीं बढ़ा है। जो व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हैं उनसे काफ़ी चीज़ों को दूर रखा जाता है राजनीतिक, तो कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हो सकता है कि मामले को ठंडा करने के लिए भाई से अपील की गई है, भाई के द्वारा अपील जारी की गई है। और भाई ने, सोमा भाई ने यह भी अपील की है कि वो काफ़ी पिछड़े लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उस 40-50 साल की कुरीतियों के बीच इसको देखा जाना चाहिए। जब उस पिछड़े जाति के लोग, जो गरीब लोग थे, उन्होंने ऐसा कदम उठाने पर माँ बाप ने क्यों मजबूर हुए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ा, तो 3-4 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो सीधे सीधे वोटरों को भी अपील करती हैं, और दूसरा समाज को भी अपील करती हैं, और दूसरा तीसरा राजनीतिक दलों से भी अपील करती हैं। इसका लाभ मिलेगा राजनीतिक तौर पर, इसका लाभ मिलेगा अमिताभ जी? प्रसून, राजनीतिक तौर पर इस निर्णय का लाभ मिलेगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर लाभ मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ तो सोचना पड़ेगा कि इससे कम से कम विपक्ष के हमलों की धार को थोड़ी कमजोर करने में मदद जरूर मिलेगी। सामाजिक तौर पर नरेंद्र मोदी का कद बढ़ गया, ये नहीं कहा जा सकता अभी कद बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन ये चीज़ें पब्लिक है, ये सब जानती है। नरेंद्र मोदी शादीशुदा है, यह हलफनामा दिया गया है, और इसके बाद उनके बड़े भाई ने जो अपना तरफ से स्पष्टीकरण दिया है वो भी हमने आपको बताया, और ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल एक तरह का दबाव जरूर रहा होगा, और नरेंद्र मोदी ये मानकर चल रहे थे कि देश में जो संसदीय राजनीति का जो सबसे ऊंचा होदा है, अगर वो उसके उम्मीदवार हैं तो अब कोई बात छुपी रहनी नहीं चाहनी नहीं चाहिए, जिससे कभी कोई विवाद ना हो, सब कोई साफगोई के साथ चीज़ें आ जाए, ये जरूरी है, ये बात जहन में जरूर रही होगी।